और आप लोग जैसे जैसे बात हो रही है उसके अंदर अपनी क्या जिम्मेदारी आप लोग ले सकते हैं, ऑलरेडी ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं ले रहे हैं तो क्या ले सकते हैं, एक तो ये बात को ध्यान में रखें, और दूसरा है कि हम पूरी जिम्मेदारी कितना ले सकते हैं, कौन लोग ले सकते हैं। पूरी जिम्मेदारी का मतलब वही हुआ जैसे सुबह बात हुई थी कि सिर्फ भोजन पका करके रख देना है या पोषण का भी ध्यान रखना है और एंड सो ऑन, तो वो कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर कितना हम भागीदारी कर सकते हैं, कितनी जिम्मेदारी ले सकते हैं या कितनी जिम्मेदारी हम महसूस करते हैं उसका ध्यान रखें। तो हम लोग इन सब चीजों की बात करेंगे कि जो वॉलंटियरिंग है ये मेरे गति के अर्थ में भी है, इसमें दूसरे की गति तो उसमें सहयोगी हम हो सकते हैं लेकिन ये मेरी गति में भी सहयोगी है, तो ये बात। दूसरी बात है कि प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज में क्या अंतर है, थोड़ा उस पर बात करेंगे, क्या क्या रोल्स है प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज में, क्या क्या हम लोग उसमें भागीदारी का रोल क्या है, क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो उसमें जो लीड वॉलंटियर्स का रोल है उसके लिए हम लोग बात करेंगे ज्यादा। फिर जो बाकी चीजें हैं इसको हम लोग आगे के सेशन में या इस सेशन में जितना भी हम लोग सोच सकते हैं उतना करेंगे, बट आगे के सेशन में करेंगे ताकि बाय द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप इसमें लीड वॉलंटियर्स आइडेंटिफाई हो जाए। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और कई सारी एक्टिविटीज हैं उसके अंदर ये रोल्स को आइडेंटिफाई करने का काम। उसके बाद में जो लीड वॉलंटियर्स हैं वो और जो वॉलंटियर्स हैं वो लोग मिलकर के थोड़ा सा डिटेलिंग आउट का और काम कर सकते हैं अगर समय मिले तो, नहीं तो बाद में बाहर तो वापस जा करके उस काम को करना होगा डिटेलिंग आउट और उसके बाद भी फिर इसको करने का काम। ऑलरेडी अगर कुछ हो रहा है तो उसको और कुछ करने का काम। इसमें जो भी काम है उसके अंदर और लोगों को जोड़ने का काम जो है, उनको गाइड करने का काम जो है, उनको आइडेंटिफाई करके उनको एक तरह से इसमें पूरा इन्वॉल्व करने का जो काम है उसको भी जो लीड वॉलंटियर्स हैं उनकी जिम्मेदारी में रहेगा कुछ काम उसमें से, और फिर जो करेंगे तो उसमें प्रोग्रेस होगी। तो अगर प्रोजेक्ट को देखें तो एक निश्चित गोल के साथ में कुछ किया जा रहा है, जैसे कि एक ये वर्कशॉप है ये इसका एक निश्चित गोल है, इसके लिए फिर कुछ कार्यक्रम बनेगा उसमें कोई थोड़ा भागीदारी सुनिश्चित होगी और फिर बाद में रिव्यू करेंगे कि ये हुआ कि नहीं हुआ एंड सो ऑन। तो वो एक प्रोजेक्ट है जिसका एक स्टार्ट पॉइंट है और कोई एंड पॉइंट है, इस तरह की चीजों का एंड पॉइंट पहले से डिफाइंड है, कई सारी चीजें हैं जिसका एंड पॉइंट डिफाइंड थोड़ा लूज होता है, जैसे कि कोई कोई डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं किसी चीज का, जैसे कोर्स का कोई डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं तो उसमें एंड पॉइंट एक तरह से उसका टारगेट डेट रखा रहता है लेकिन उसमें जरूरी नहीं है कि उस वक्त ही खत्म हो जाए, उससे पहले भी हो सकता है उसके बाद में भी हो सकता है, लेकिन जनरली प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ एंड डेट होता है और एंड होने के बाद में फिर उसको रेगुलर यूज में लाने का जो काम है वो एक एक्टिविटी करती है। तो कोई कंटेंट डेवलपमेंट का अगर काम करना है, बुक लिखने का काम है जैसे, उसको करना है तो उसके लिए कुछ टाइम होगा, जब बुक हो जाएगी पब्लिश हो जाएगी तो एक वर्जन उसका बन गया, उसके बाद वो किसी कोर्स में काम आएगी, किसी वर्कशॉप में काम आएगी, उसमें से कुछ और चीज़ें होंगी बट वो उसका काम खत्म हो गया, उसके बाद में किसी एक्टिविटी में उसका यूज करते रहे। तो ये एक बात है और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो अगर
जिसमें से प्रश्न बनता है तो वो हम देख सकते हैं। प्रोजेक्ट का कोई प्रश्न है, प्रोजेक्ट क्या है इसके ऊपर कोई प्रश्न है तो उसको ले सकते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं, मटीरियल डेवलप करने का जो काम है वो एक प्रोजेक्ट है, ये एक और टीचिंग मटीरियल है, ये दोनों एक साथ ही हो गए। डेवलपिंग द इनिशियल प्रोसेस फॉर ऑनलाइन वर्कशॉप्स, ऑनलाइन वर्कशॉप को कैसे कंडक्ट करेंगे, उसको सोचना, उसको करना, उसको ट्राई करना, एक बार हो गया उसके बाद में उसको डिटेल नहीं कर सकते। रेगुलर एक्टिविटी है ऑनलाइन इंट्रोडक्टरी यूएचबी वर्कशॉप्स, और इस कंटेंट को भी यूज कर रही है और इस प्रोसेस को भी यूज कर रही है। तो इन दोनों प्रोजेक्ट का जो आउटकम है, आउटपुट है, वो एक प्रोजेक्ट एक एक्टिविटी में यूज हो रहा है, एक वीक फिर दूसरे वीक यूज होता जा रहा है। और इसी सेशन में राठौर जी जो ट्रांसक्रिप्ट का प्रोजेक्ट था, एक भाग इसका, उसको शेयर करेंगे एज ए प्रोजेक्ट। और वो ट्रांसक्रिप्ट का जो काम है, जो रिकमेंडेशन बनाने का काम है, उस काम को हर हफ्ते में करना होता है। तो वो काम डिजाइन होने का काम और उसको ट्राई करने का काम एक प्रोजेक्ट है, और उसको कंडक्ट करने का, रन करने का, बार बार उसको करने का वो काम जो है, उस रिकमेंडेशन के बाद में कुछ और होता है, सर्टिफिकेट जनरेशन का काम होता है, फिर और काम होता है। तो इस तरह से एक प्रोसेस, लंबा प्रोसेस है, उसमें एक भाग जो है वो एक्टिविटी। उसी तरह से अगर एक्टिविटी को देखें तो कुछ रेकरिंग चीज है, रोज खाना खाते हैं तो वो एक रेकरिंग एक्टिविटी, रोज खाना बनाना होता है, खाना खाना होता है। बट अगर कोई नई रेसिपी सीखनी होती है तो वो एक बार का काम, वो एक प्रोजेक्ट है। और जब रेसिपी सीख लिया, उसको ट्राई कर लिया, उसके अंदर हमको संतुष्टि हो गई कि हमको इडली बनाना आ गया है, तो फिर उसको बार बार बना सकते हैं। और एक्टिविटी मेक्स यूज ऑफ आउटपुट ऑफ वन और मोर प्रोजेक्ट्स। तो ये जो रेसिपी का काम था, उसका जो फल है वो एक एक्टिविटी में फिर यूज हो सकता है। हाँ, एक पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट यह भी है कि एक्टिविटी में थोड़ा कंटेंट का रिविजन होता रहता है, रीयूजेबल एसेट्स बनते रहते हैं। जैसे ये वर्कशॉप हुआ, इसके अंदर कल का जो सेशन था उसके अंदर बहुत अच्छी जो स्पष्टता है उसकी बात हुई। अभी ये सिर्फ हम लोग तक रहे हैं या फिर और लोगों तक भी पहुंचे, तो उसका अगर हम लोग एक Q&A बना लें या कुछ बना लें, उसको YouTube पे लोड कर दें, कुछ लोग बोल रहे हैं शॉर्ट्स बना लें, उसको लोड कर दें, तो और लोग भी देख पाएंगे उसको। शॉर्ट्स तो अभी हम लोग नहीं बनाएंगे, बट एटलीस्ट ये बना करके रख सकते हैं ताकि अपने और साथी लोग जो हैं उसको देख पाएंगे, उसको उसका लाभ ले पाएंगे। तो ये रीयूजेबल कंटेंट, रीयूजेबल कुछ एसेट बन गया तो उसको यूज कर सकते हैं। और प्रोसेस में भी जितने भी ध्यान आता है कि उसको इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, तो वो उसको भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जैसे गणेश जी ने मेंशन किया कि जब हम शिविर रन करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी नई चीजें ध्यान में आएंगी। ट्रस्ट के बारे में उन्होंने एग्जाम्पल दिया, विश्वास का जो भाव है, उसके जो क्वेश्चन हैं वो इसी तरह से बने। इनिशियली एक प्रोजेक्ट के रूप में जरूर कुछ बना था, बट उसके बाद में फिर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स होते रहे। रेगुलर एक्टिविटी जब भी करते करने जाते हैं तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान अगर हम लोग रखेंगे तो दिनों दिन को इम्प्रूव होता जाएगा, प्रोसेस भी और कॉन्टेंट। तो उसके उदाहरण अगर दें तो इंट्रोडक्टरी यूएचबी जो है वो रेकरिंग एक्टिविटी, उसी तरह से
और जो भी प्रोजेक्ट्स हैं हम लोग के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं मोस्टली तो टीचिंग में प्रोजेक्ट्स हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स होंगे इसमें अभी जो फेस टू फेस वर्कशॉप्स का पूरा सोचने का काम है या रीथिंकिंग का काम है उसको फेस टू फेस सेल्फ फंडेड जो वर्कशॉप्स होंगे फेस टू फेस सेल्फ फंडेड वर्कशॉप्स तो कॉलेज अपनी जिम्मेदारी पर वर्कशॉप्स को करेगा बिना AICT से कोई आर्थिक सहयोग सिर्फ AICT उनको सर्टिफिकेट ऑफर करेगा कि अगर ये पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं तो उनको सर्टिफिकेट दिया तो वो जितेंद्र जी लोग शेयर करेंगे के साथ में और लोग हैं वो सब लोग अजयपाल जी शेयर करेंगे चरणजीत अगर रोल्स को देखें तो एक रोल तो एक मेंटर का रोल है क्योंकि पूरे को अगर कोई समस्या होती है या कोई दिशा देने का काम होता है तो वो उस काम को करते उसका प्रोसेस को उसके पर्पस को मेनली जैसे ये दिशा है इसको बताने का काम गणेश जी ने किया है अब हम लोग को करना है इसको एक एक व्यक्ति को इस प्रोसेस को जितना भी स्वीकार होता है यहाँ पर भी खड़े हैं यहाँ खड़े हैं तो यहाँ से यहाँ मूव करने का हमको सोचना होगा कैसे करें इसको एक तो पर्पस को या लक्ष्य को निर्धारित करना उसके लिए गाइडलाइन प्रोसेस फिर उसका जो कैसा आउटकम दिखाई देगा वो सब चीज़ें जो हैं वो मेंटर को मेंटर के साथ में पूरी टीम के साथ में पर्टिकुलरली लीड वॉलंटियर और मेंटर ये लोग अगर कर लेंगे इसको तो सबके साथ में फिर उसकी चर्चा हो सकती है और इनका काम ये भी है कि जो आगे पॉलिसी मेकर्स हैं कॉलेज के डायरेक्टर्स हैं डीन्स हैं या वाइस चांसलर्स हैं इन लोग के साथ में बात करने का काम जरूरी है तो वो जो भी पॉलिसी मेकर हैं जैसे AICT का जो कोऑर्डिनेशन है वो सभी लोग जिम्मेदारी में नहीं होगा कुछ लोग उसको करेंगे तो वो जो कम्युनिकेशन का काम है वो ये लोग लीड वॉलंटियर का काम है तो जिम्मेदारी लेना प्रोजेक्ट को करने की तो अपने प्रोजेक्ट को डिटेल आउट या एक्टिविटी को डिटेल आउट इसमें क्या स्टेप्स होंगे यहाँ से यहाँ तक कैसे होगा वो तो सारी चीज़ों को प्लान करने की खुद उसमें कुछ पार्ट करने जरूरी नहीं कि हम प्लान करके किसी और को देंगे खुद हैंड ऑन कुछ करेंगे उसमें कुछ पार्ट करेंगे पूरा कर सकते हैं तो पूरा करेंगे तो एक तो ये उसके बाद में सब पीसेस को इंटेग्रेट करना जैसे अभी वीडियो का कटिंग चल रहा है आप लोग का तो उसके अंदर अलग अलग तरीके से मेंटर को दे देंगे भाई ये हमने कर दिया आप इसको करो या फिर हम इसको इंटेग्रेट करके कई किसी पॉइंट तक लेके जाएंगे तो वो काम जो है वो लीड वॉलंटियर का किसी भी एक्टिविटी में बहुत सारी छोटी छोटी और एक्टिविटीज होंगी तो उसको इंटेग्रेट करना जैसे अभी ये जो फेस टू फेस वर्कशॉप्स हैं या ऑनलाइन वर्कशॉप्स हैं ये सब कर रहे हैं लेकिन अगर इसमें पूछें कि भाई कितनी यूनिवर्सिटीज़ में या कितने कॉलेजेस में एक्चुअली ये एग्जाम्पल वर्कशॉप्स का नहीं हुआ UC मीटिंग और ये यूजी मीटिंग का होगा कि हम लोग मीटिंग तो कर रहे हैं लोगों के साथ में इसके पास में फिर ये सब जोड़ करके फिर डेटा निकल रहा है कि ये कितने कॉलेजेस में SIP ठीक से कंडक्ट किया जा रहा है कौन से कॉलेजेस हैं जो टॉप 3 कॉलेजेस कौन से जिनके साथ में हम लोग उनकी गति में या उनको एक तरह से उभारने में काम कर सकते तो मेंटली तय करेंगे या सजेस्ट करेंगे कि भी अपने देश भर में 100 ऐसे कॉलेज होने चाहिए जो इस काम को ठीक से कर रहे हैं एज ए नोडल सेंटर तो
फॉर्म से होटल सेंटर्स होंगे वो किसी गूगल फॉर्म से ऐसे निकल के नहीं आएंगे, वो तो अपनी बातचीत से निकल के आएंगे कि ये यहाँ पे तीन कॉलेज अमरावती में है, यहाँ पे इतने कॉलेज पंजाब में है, इतने कॉलेज यहाँ यूपी में है, सो ऑन। ये सब कॉलेजेस को मिला करके वो 100 बनेंगे। तो उसका जो इंटीग्रेशन करना है वो अगर लीड वॉलंटियर करेंगे तो अच्छा रहेगा। डेटा का इंटीग्रेशन जो काम है उसका इंटीग्रेशन सब जोड़ करके ही पूरा हो गया था, पोषण हो गया बच्चे का, सिर्फ खाना बनाने का काम ना पोषण भी हो गया, तो ये इंटीग्रेशन का जो काम है वो भी हो गया। उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन करने का काम भी थोड़ा इम्पोर्टेंट काम हो गया, जैसे जैसे अपने स्केल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डॉक्यूमेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। गाइडलाइंस का डॉक्यूमेंटेशन हो या प्रोजेक्ट का जो या एक्टिविटी का जो कैसे कर रहे हैं प्रोसेस का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। लोग नए लोग जुड़ेंगे तो उनको कैसे बताएंगे कि भाई आपको ये करना है। और कम्युनिकेशन जो लोग सब लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ में कम्युनिकेट करना, और मोदी ने बहुत अच्छे से बताया उसको कि क्या क्या कम्युनिकेट करना है या क्या क्या बातचीत होनी चाहिए संबंध में, हम लोग एक दूसरे के साथ में आश्वस्ति महसूस करें तो क्या क्या बात करना सार्थक रहेगा, उतना बात तो करें और प्रोजेक्ट का भी बात जरूर करें, एक्टिविटी का बात करें। सिर्फ एक्टिविटी का बात करना जो है वो थोड़ा उसमें कुछ खाली स्थान रह जाते हैं, तो वो करें उस बात को और मेंटर के साथ भी उस बात को करें। क्योंकि हम ये हो गया खत्म हो गया, अब जैसे आदित्य ने बताया कि जूम का जो ये जो चल रहा था अभी वो उसका क्या स्थिति है, तो हमने पूछा उसने बताया ऐसा नहीं है, उसने खुद ही बताया। तो ये जिम्मेदारी का भाव जो है वो उसमें दिखता है, उसने खुद ही बताया कि इस तरह से तो वो लीड वॉलंटियर का काम है। इसके बाद में जो भी टाइमलाइन सोचा गया है उसको जितना भी अडियर कर सकते हैं उसको करना वो भी एक बड़ा काम है। मीटिंग्स को मेक श्योर कि मीटिंग्स हो रही हैं, अब ये नहीं कि भी कोई बताएगा फिर हम मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, हमको खुद करना है मीटिंग्स को। अभी जैसे एसीपी की रिपोर्ट बन रही है, अब उसमें हमको खुद मीटिंग को इनिशिएट करना पड़ेगा, उसका इंटीग्रेट करके सबको बताना पड़ेगा कि भी ये स्थिति है अभी, तो कोई पूछे कि क्या स्थिति है उसके बाद फिर हम कहेंगे कि ठीक है वो उसमें से जोड़ना पड़ेगा, तो उसमें ये लीड वॉलंटियर को करना चाहिए ऐसे काम जो है मीटिंग्स का वो करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वॉलंटियर्स क्योंकि इतना काम है इसको कैसे डिवाइड करके तालम में और लोग जोड़ सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई करना उनको, उनको डेवलप करना उनके साथ में गाइड करना उनको। तो अगर हम लोग एक एक जना जो है 10-10 लोगों को गाइड करने का जिम्मेदारी ले ले तो बहुत जल्दी बहुत सारी लोग तैयार हो सकते हैं जिस भी एरिया में हम कर रहे हैं, जो भी एरिया हमको लगता है जो भी हमारा जिम्मेदारी है उसके अंदर और लोगों को जोड़ दें। और वॉलंटियर जो टीम मेंबर हैं तो वो एक्टिविटी का कम से कम एक पार्ट होगा, और जितने लोग यहाँ से यहाँ मूव कर सकते हैं उतना अच्छा है, उतना पूरे कार्यक्रम के लिए अभियान के लिए अच्छा है। और एक दूसरे के साथ में पारिवारिक संबंध का महसूस करना, उनको आश्वस्ति वाला एक दूसरे की बात सुन पाना, एक दूसरे को बता पाना कि भी ये ठीक चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा है, दूसरा सुन पाए उसको, अभी तो बहुत सारे लोग सुन ही नहीं पाते हैं दूसरा कोई को बता रहे थे, तो वो सब अगर हम लोग कर पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अंदर इतना काम जो है इसमें बार बार इसको अपने उसमें रखें कि जो अपने में गति होना है वो मुख्य काम है,
और उसके साथ में जो संबंध का जो स्वीकृति है, संबंध में जो काम होना है और दूसरा काम है उसके साथ में ये काम हो, इसका ये मतलब नहीं कि ये काम थर्ड उसका है, जब ये दोनों हो जाएंगे उसके बाद में इसको करेंगे, ये साथ साथ होने वाले काम है, इसका प्रायोरिटी ऐसा है। तो जो लिस्ट है प्रोजेक्ट की, ये मोती और जितेंद्र आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ एग्जाम्पल जो है उसको किया है और लिस्ट जो है वो आपको व्हाट्सएप से भी भेज देंगे ताकि आप उसको थोड़ा डिटेल में देख पाए। उसमें लिस्ट में सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है, उसमें बहुत सारा डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो उस एरिया में अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसका डिटेलिंग जो है वो आप समझ के लिए बात कर सकते हैं। हम लोग ने मेंटर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, तो जो भी आपके मेंटर, मतलब जो भी उस प्रोजेक्ट के मेंटर है या एक्टिविटी के मेंटर है उनके साथ में आप लोग बात कर सकते हैं। बताइए कोई क्वेश्चन हो इस एक्टिविटी और प्रोजेक्ट पे तो उसको पहले ले लेते हैं फिर लिस्ट को देखते हैं। क्लियर? But nothing is stupid. ये लंच के बाद का जो सेशन होता है इसको हम लोग ग्रेवयार्ड शिफ्ट बोलते थे। लेकिन यहाँ पे तो सब लोग जो है वो ध्यान दे रहे हैं, तो बट कोई प्रश्न है तो उसको ले लेते हैं। ट्रेनिंग तो रहेगा ना, जैसे किसी एरिया में करना चाहते हैं और कुछ सीखना बाकी है तो उसमें कुछ ट्रेनिंग की जरूरत है। हाँ, यहाँ पे ये जो टीम मेंबर का लेवल है उसके अंदर जरूर है, वो उसको करेंगे। बट जैसे अभी कुछ ऐसी चीज करनी है जो उसमें काफी एक्सपर्टीज चाहिए, जैसे अभी लेटर से कोई चीज ऐसी है जिसके अंदर सीखने में कुछ टाइम लगता है, उसकी ट्रेनिंग तो हम लोग शुरू कर सकते हैं, बट वो ज्यादातर अपने आप ही बेसिक ट्रेनिंग नहीं, बट थोड़ा मैनेजिंग मैनेजिंग चीजें या कुछ उस काम को किए हुए जो ऑलरेडी पहले किए हुए हैं। हाँ, वो तो होगा ही, वो तो होगा ही। हर एक वर्कशॉप के पहले जो भी लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं उनका एक सेशन होता है, एक सेशन होता है, अलग अलग सेशन होता है। वो तो करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। ऐसे किसी को टिप को क्लैरिफाई सीखना है कि हम डेटा क्लेंजिंग का काम करते हैं तो वो 10 साल लगते हैं, उसमें नहीं होगा। वो अपने से एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज लोग करेंगे। हाँ, हमको यहाँ से यहाँ तक जाने का सीखना है तो ये तो समझने का काम है, सीखने का भी सीखना है, तो इसमें तो टाइम लगेगा।